अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कबूतरों की फेक ब्रीड्स बनाना, ठीक है। फेक ब्रीडर लोगों के ऊपर ये ठीक है आज का वीडियो है। तो फेक ब्रीड्स नहीं, फेक ब्रीडर लोगों के ऊपर ये वीडियो है। तो अगर आपको कोई भी बात पता है ऐसे जो ब्रीड्स को ऐसे फेक करके बेचता है भाई, तो प्लीज़ आगे भी उनको बढ़ाइए, ठीक है। और इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए, जब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि फेक ब्रीड्स होती क्या हैं, ठीक है। तो जैसा आपके सामने देख सकते हैं, कंपैरिजन के लिए मैंने ढूंढ के ये मेरे पास से दो कबूतर सामने डाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ीमेल है, ठीक है। ये वाली है फीमेल और ये वाला जो देख सकते हैं अब ये है मेल। अगर आप इनको कलर वाइज देखेंगे और पैटर्न वाइज देखेंगे तो ये दोनों आपको बिल्कुल ही सेम दिखेंगे, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने, आप इनके पंजों के पास जो कलर आ रहा है वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ऊपर उनके पैर कैसे बढ़ रहे हैं, साइड पे जो परों पे इनके छाप है वो भी देख लीजिए पीछे की तरफ से, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर गर्दन के पास से भी देख लीजिए आप जिस तरीके से इनके छाप आए हुए हैं, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट ठीक है, ये करीब करीब आप बोलेंगे एक 80-90% ये कबूतर देखने में सेम दिखते हैं। और अगर मैं बस इसकी एक फ़ोटो भेज दूँ आपको तो आप यही समझेंगे कि भाई ये दोनों भी सेम नस्ल के हैं। लेकिन भाई मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ कि ये मेल कोई और नस्ल का है, ठीक है, और ये फीमेल कोई और नस्ल की, ये दोनों डिफरेंट ब्रीड से बिलोंग करते हैं। तो फेक ब्रीडर्स से मेरा मतलब क्या है, फेक ब्रीडर्स ऐसे लोग हैं जो बस एक जैसे कबूतर दिखने वाले कबूतरों को एक साथ मिला के इनकी ब्रीड बना के आगे मार्केट में बेच रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग बोले जाते हैं फेक ब्रीडर्स। तो भाई इनका कोई भी तरीके से कबूतरबाजी का इंटरेस्ट नहीं होता, ना तो भाई इनके पास कोई भी इल्म या नॉलेज होता है। इनको बस यही होता है कि हमको ऐसे कबूतर ढूंढने हैं जो मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है और उनके जैसा ही कोई दूसरा कबूतर उनको सेम ढूंढना होता है। तो अभी ये तो मेरे पास कोइंसिडेंस है कि मेरे पास ये दो कबूतर यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन इनका साथ में जोड़ा नहीं लगा हुआ है। ये वाला जो कबूतर है ये मेरे घर पे उड़ता है, आप इसको करीब करीब एक साल से इसको वीडियोस में देख रहे हैं उड़ते हुए कबूतरों के, ठीक है। और ये जो फीमेल है ये भी एक साल से मेरे पास ब्रीडिंग में पड़ी हुई है और ये भी वीडियोज़ में एक साल से ब्रीड में ही पड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरे पुराने घर से लाई हुई फीमेल है। तो भाई ये तरीके का सिस्टम है। तो अब लोग ऐसे करते क्यों हैं, लोग करने का यही एक बड़ा रीज़न है भाई ये कि इसके पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब अगर ये पैर मैं बाहर डाल दूँ फॉर सेल के लिए तो आप सोच सकते हैं कि मैं ये एक पैर का कितना पूछ सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन दी कलर, उनका कलर जिस तरीके से आया हुआ है। और इन कबूतरों को अगर मैं थोड़ा सा एक दूसरे पिंजरे में ठहरा दूँ और थोड़ी दूर से फ़ोटो लूँ तो अगर आप इनकी स्टैंडिंग देखेंगे तो ये कम्प्लीटली सीधी खड़ान के कबूतर है। आप देख सकते हैं फीमेल को अभी तो ये डरे हुए हैं बिल्कुल ही पूरी नई जगह आकर, ठीक है। तो अगर मैं इनको नॉर्मली छोड़ दूँ कोई एक पिंजरे में थोड़ी देर के लिए अलग जगह बड़े वाले, तो इन कबूतरों की जब आप स्टैंडिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कबूतर है कौन से, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी ये कबूतर है, अगर मैं आपको इनकी एक फ़ोटो लेके भेज दूँ तो मैं इनका अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। तो भाई ये फेक ब्रीडर्स यही लोग हैं जो पैसे बनाने के लिए कबूतरबाजी के शौक़ को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो कोई भी तरीके से ना शौकीन की इज़्ज़त करते हैं ना इस शौक़ की इज़्ज़त करते हैं। ये बस कलर जमा के एक ही कलर के कबूतर बना के ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये तो आपको एक ब्लैक में मैंने एग्जांपल बता दिया। जो वाइट वाले कबूतर होते हैं कम्प्लीटली वाइट वाले, उनके साथ भी ये ऐसे ही करते हैं। उनमें भी बहुत सारी ब्रीड्स में कबूतर पूरी तरीके से वाइट हो जाता है, लेकिन ये उसको फिर से धोखा दे के उसमें चेंजेस कर देते हैं। तो इसी हिसाब से ये लोग क्या करते हैं आपको क्लियरली अब शायद समझ आ गया होगा। तो अब ये फेक कबूतरबाजों से या फेक ब्रीडर्स से बचा कैसे जाए ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इनसे बचना कैसे है, तो एक चीज़ मेन ये है कि आप जब भी कबूतर कहीं से ख़रीदना चाहें तो आप जो है उसकी कम्प्लीटली एक क्लियर फ़ोटो देखें या एक क्लियर वीडियो मंगवाएँ, ठीक है, जिसमें आपको कबूतरों की सारी पॉइंट्स देखकर समझ आ सकती है कि हाँ भाई ये कबूतर ऐसा है और ये कबूतर ऐसा है। तो अब मैं आपको इन दो कबूतरों के अंदर जो डिफरेंसेस है वो बताता हूँ, ठीक है। गौर से देखिए आप, ठीक है। तो अगर आप फीमेल की चोंच को देखेंगे सामने तो ये ब्लैक और थोड़ी सी वाइट है, लेकिन अगर आप मेल की चोंच देखेंगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैक सियाह चोंच है, ठीक है। तो अगर आप पंजों के कलर को देखेंगे तो मेल के जो पंजे हैं वो ज़्यादा गहरे कलर में दिख रहे हैं, ज़्यादा रेड में, और जो फीमेल के कलर पंजे हैं वो ज़्यादा खुश्क हैं और फीके कलर में है, ठीक है। तो अगर आप आँख के पास देखेंगे तो मेल की जो आँख देखेंगे आप उसमें थोड़ी सी लाली दिखेगी आपको, लेकिन जो फीमेल की आँख यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा वाइटपन है, ठीक है, इसमें लाली नहीं है फीमेल की आंख में, ठीक है, जबकि मेल की आंख में आपको थोड़ी सी लाली दिख सकती है। फिर आ जाते हैं
परों के शेप के ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं मेल के जो पर है, जो शोल्डर्स है, वो अंदर ढके हुए, लेकिन फीमेल के जब आप देखेंगे, जब फीमेल सामने ऐसी खड़ी हो रही है, देखिए तो आपको इसके शोल्डर्स क्लियरली विजिबल दिख रहे हैं कि भाई इसके शोल्डर्स बाहर निकल के आ रहे हैं। देखिए मेल के जैसे दिख रहे हैं लेकिन फीमेल के अलग दिख रहे हैं, आपको ये क्लियरली समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कबूतर के सर के शेप के ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं फीमेल का सर थोड़ा सा ऊपर से चपटा है, जबकि मेल का अगर देखेंगे तो आप ज़्यादा गोलाई में है इसका सर, ठीक है। ये हो गया शेप का। उसके बाद हम देखेंगे परों का शेप। मेल के पर का शेप आप देख सकते हैं किस तरीके से बने हुए हैं, लेकिन अगर आप फीमेल के पर के शेप देखेंगे तो उसमें आपको एक क्लियरली एक अलग सा डिफरेंट शेप दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया फीमेल का शेप परों का। उसके बाद हम देखेंगे गर्दन का, ठीक है। गर्दन के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे ज़्यादा तो आपको मेल की गर्दन का कलर थोड़ा सा अलग दिखेगा फीमेल की गर्दन से, ठीक है। देखने में दोनों भी दूर से सेम ब्लैक दिखेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा क्लोज देखेंगे, ठीक है, तो आपको मेल के सिर के ऊपर थोड़ी सी लाली दिखेगी और फीमेल के सर के ऊपर वो आपको लाली नहीं दिखेगी। तो इसके मतलब ये है कि जो ये कबूतर है ये कम्प्लीटली दूसरी नस्ल का ही है, ठीक है। और अगर आप इसकी दुम भी देखेंगे, ठीक है, मेल की दुम देखेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और अगर आप फीमेल की दुम देखेंगे, ये देखिए, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन मैं अब अगर इस कबूतर को इस तरीके से आपको रख के बताता हूँ, इस तरीके से देखिए, तो आप ये बिल्कुल यही बोलेंगे, अगर दूर से कोई नया शौकीन है तो यही बोलेगा कि हाँ भाई ये तो दोनों सेम ही नस्ल के कबूतर हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, नस्ल के पीछे जब जाते हैं लोग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नाखून, ठीक है। नाखून लोग क्यों बताना देखते हैं कि नाखून से आपको नस्ल के बारे में पता चलता है। तो मैं अगर फीमेल के पंजों के ऊपर जूम करूँ तो ये इसके नाखून है, और अगर मेल के पंजों के ऊपर जूम करूँ तो ये इसके नाखून है। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि जो मेल की नस्ल के नाखून है वो छोटे हैं, और जो फीमेल की वाली जो नस्ल है उसके जो नाखून है वो लंबे नाखूनों में है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आता है कि जो नाखून लंबे होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि पुरानी नस्लों से आए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके नाखून लंबे हैं। लेकिन जब मेल के आप नाखून छोटे देख रहे हैं, ये नाखून क्रॉस जब बनते हैं कबूतर उसमें ये नाखून आते हैं, इस तरीके से बोला जाता है, ज़्यादातर उस्तादों का यही मानना होता है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं दुम जब क्लियर नहीं दिख रही थी लेकिन अभी क्लियर दिख रही है, ठीक है। जैसा देख सकते हैं आप इनकी एक पत्ती दुम है, लेकिन दुम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है शेप का, ठीक है। तो ये हो गया भाई इस तरीके से कबूतर की पहचान कैसी करनी है आपको जब आप कहीं से भी कबूतर ख़रीदते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे फेक जोड़ा आ गया है, जब आप चेक करते हो ऐसी सारी चीज़ें, तो अगर आपके पास एक ऐसा फेक जोड़ा है तो आप उसका क्या करें, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके किसी और को ये जोड़ा ना बेचें झूठ बोल के, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है कि ये जोड़ा फेक है तो इस तरीके से आप किसी को झूठ बोल के ये कबूतर ना बेचें, बल्कि आप इन कबूतरों के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर ये बस कलर के लिए साथ में मिलाए गए हैं तो इनको तोड़ दीजिए इनका जोड़ा, और जिस तरीके से कबूतरों के जोड़ लगाए जाते हैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए। अगर आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पर भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिस पर मैंने जोड़ लगाने के ऊपर बहुत ज़्यादा तफसीलात से क्लियरली बताया है कि जोड़ किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप कबूतर के जोड़ लगाइए इन दोनों का जोड़ा तोड़कर, ठीक है। ये तो मेरे पास वैसे भी जोड़ में नहीं है, आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ बस ऐसे, कि इस तरीके से कबूतरों का जोड़ा तोड़ना है आपको, और कबूतर को जो है अपने हिसाब से किसी ना किसी अच्छे कबूतर के साथ इनका पेयर लगा के जब उनकी टेस्टिंग करिए भाई, ठीक है। तो इसी हिसाब से भाई लोगों को थोड़ा बचाइए। अगर आपकी पहचान में भी कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कबूतरबाजी में झूठ का शिकार हुए हैं तो भाई उनकी मदद करिए, ठीक है। उनको कोई अच्छे कबूतरबाज के पास ले जाइए जहां से वो अच्छे कबूतर ख़रीद सकें और अपने पैसे ना वेस्ट कर सके, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं बहुत आसान है कबूतरबाजी में किसी को झूठ बोल कर कबूतर बेचना, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ वीडियो के बारे में सारा, ठीक है। जब भी आप कबूतर ख़रीदें प्रॉपरली कबूतर को अच्छे से ख़रीदने से पहले प्रॉपरली देख लें कबूतर को, उसकी एक अच्छे से पूरी वीडियो या पूरा फ़ोटो अच्छे से 3-4 मंगवा लीजिए, ताकि आप ये सारी पॉइंट्स जो मैंने बताई थी वो कंपेयर कर सकें, ठीक है, और चेक कर सकें कि ये सारी चीज़ें या सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर सेम होती हैं ये चीज़ें तो भाई ये नस्ल से भाई, ये अगर अलग अलग चीज़ें आती हैं इन कबूतरों में तो आपको ये समझना है कि बस ये कबूतर कलर के हिसाब से साथ में मिला के डाले गए हैं और इनका एक नस्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत बार ऐसे भी हो सकता है अगर आपकी लक अच्छी हो तो ये जैसे जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इनके बच्चे कभी कभी अच्छे निकल जाते हैं अगर वो दोनों कबूतर ही अच्छी नस्लों से बिलोंग करते हों। लेकिन
अलग बात है वो सेम दिखते हों, लेकिन अगर दोनों कबूतर अलग नस्ल से बिलोंग करते हों और इनका क्रॉस अगर जम जाए तो भाई इनके बच्चे कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से भी निकल जाते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन कबूतरों का पहले अगर ऐसे जोड़ा ख़रीद लेते हैं और आपको समझ आता है कि भाई आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप उनके एक बार ब्रीड ले लें, ब्रीड लेके चेक कर लें, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं आता तो भाई प्लीज़ किसी और को ये सेम जोड़ा ना बेचें इसी तरीके से, ठीक है। झूठ बोल के आप उन कबूतरों का जोड़ा तोड़ दें और अपने किसी कबूतर के साथ उसका पेयर बनाएं और फिर इनके बच्चे लें, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।